मॉरिसस में एक पोत में तेल का रिसाव होने के बाद एनवायरमेंटल इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई। मदद की गुजारिश पर भारत ने मॉरिसस को मदद भेजी है। भारत सरकार ने वायुसेना के हेलीकॉप्टर IAF-C-17 के जरिए 30 टन टेक्निकल उपकरण और सामग्री भेजी है, जिससे तेल रिसाव के संकट से मॉरिसस को निजात दिलाई जा सके। तेल रिसाव की समस्या से निपटने में निपुण भारतीय तटरक्षक बल की 10 सदस्यीय टीम को भी इस संकट से निपटने के लिए तैनात किया गया है। भारतीय वायुसेना के विमान से 10,000 उच्च क्षमता वाले तेल शोषित करने वाले पैड भी भेजे गए हैं, जिसे विशेष रूप से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने खरीदा है। मॉरिसस को तेल रिसाव के संकट से निपटने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इसकी सप्लाई की है। दरअसल 25 जुलाई 2020 को एक मालवाहक पोत MV वकाशियो मॉरिसस के दक्षिण पूर्वी हिस्से में परिस्थितिक रूप से संवेदनशील और प्रमुख पर्यटन स्थल के करीब फंस गया था। जापान की शिपिंग कंपनी मेसर्स ओकियो मैरीटाइम कॉर्प के स्वामित्व वाले 300 मीटर लंबा जहाज ब्राजील जा रहा था। इसमें लगभग 4,000 मैट्रिक टन ईंधन भरा हुआ था। खराब मौसम की वजह से ये पोत समुद्र में फंस गया और पोत में लीकेज हो गया। तेल की निकासी को रोका नहीं जा पा रहा था। तेल रिसाव को देखते हुए मॉरिसस सरकार ने 7 अगस्त को एनवायरमेंटल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। इस मसले को लेकर मॉरिसस में भारतीय उच्चायोग शुरुआत से ही मॉरिसस के अधिकारियों के संपर्क में रहा। इस आपातकालीन हालात से निपटने के लिए मॉरिसस के अधिकारियों ने बैठक की और इस बात पर विचार विमर्श करना शुरू किया कि इस संकट से कैसे निपटा जाए। इस बात पर विचार किया जाने लगा स्थानीय तौर पर बचाव कार्य किसकी मदद से शुरू की जाए। तत्काल कदम के रूप में इंडियन ऑयल लिमिटेड को मॉरिसस सरकार की हर तरह से मदद करने के लिए कहा गया। इंडियन ऑयल लिमिटेड के विशेषज्ञ लगातार चल रहे निस्तारण कार्यों पर मॉरिसस सरकार को सलाह दे रहे थे। 7 अगस्त को इंडियन ऑयल लिमिटेड ने जहाज से तेल रिसाव रोकने सहित सभी संभव सहायता मुहैया कराना शुरू किया। इंडियन ऑयल लिमिटेड 10 अगस्त तक 1,000 टन ईंधन तेल निकालने में सक्षम रहा। इस संकट में मॉरिसस में पूर्व प्रमुख भूमिका को देखते हुए हिंद महासागर क्षेत्र में मानवीय सहायता और आपदा राहत मुहैया कराने के तौर पर भारत को उम्मीद के रूप में देखा गया। जैसे ही मॉरिसस ने भारत से मदद की गुहार लगाई, भारतीय विदेश मंत्रालय हर मुमकिन सहायता करने में जुट गया। इसके बाद भारत से मदद के लिए उपकरण टेक्निकल सपोर्ट की खातिर टीम भेजी गई। मॉरिसस को मदद मुहैया कराने के लिए भारतीय तटरक्षक बल और रक्षा मंत्रालय के बीच तत्काल समन्वय स्थापित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।